हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्वेस्टर या फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है। और मैं ये कोशिश करूं कि यार मैं एक उंगली से कुछ काम करूं तो ये संभव नहीं है। अंगूठे से अगर मुझको कहा जाए कि घास काटो तो मैं अंगूठे से घास नहीं काट सकता, मुझे 5 उंगलियों का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे ही मछली पालन में भी अगर आपको एक ग्रुप में काम करना है और बड़ा काम करना है और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना है तो आपको एक मुट्ठी के रूप में, एक यूनिटी के रूप में काम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग समिति बोलते हैं। एक सपोर्ट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि लोग समिति बनाएं ताकि उनको सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं वो समिति में पहुंचाई जाए और बहुत सारे लोगों को साथ ही साथ मदद किया जाए। तो आज का वीडियो होगा कि हम लोग अगर सहकारी मछुआरा समिति बनाना चाहते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि हमको एक पंजीकरण कराना पड़ता है अपने समिति का, तभी आपकी समिति है वो मान्य होगी और जो भी सुविधाएं सरकार अपने फार्मर मछुआरा भाइयों को देती है वो समिति को भी मिलती है। वो सारी सुविधाएं आप समिति बना करके भी उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो होगा कि कैसे हम लोग इकट्ठा होकर समिति का निर्माण करवाएंगे और उसका पंजीकरण कहाँ होगा, कितने सदस्य की जरूरत पड़ेगी और उससे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा कि आखिर कितने लोगों की जरूरत पड़ती है समिति के निर्माण में। तो मेरे हिसाब से, और ये सारी जानकारियां हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से ली गई है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर, मेरे पहचान के लोग फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये सारी डाटा और जो भी जानकारी है वो ऑथेंटिक है, एकदम 100% परफेक्ट है, सही है। सबसे पहले आपको 11 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें 11 लोगों में 4 लोग है वो महिलाओं की संख्या है, वो होनी ही चाहिए, उनकी सदस्यता होनी ही चाहिए। और इसके अलावा बाकी कोई भी कैटेगरी के लोग हों, पुरुष हैं, वो इसमें हिस्सेदारी है, वो ले सकते हैं। 11 लोगों की जरूरत पड़ती है। बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ आपके पहचान पत्र की जरूरत तो पड़ती है सभी जगह। तो आपके पास आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड और उसके साथ आप 2 रंगीन फोटो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पंजीयन करवाते हैं हम लोग मछुआरा समिति का अपने। तो आपने क्या किया, सदस्यता हम लोगों ने छांट लिया, 11 लोगों की सदस्यता बना ली। दूसरा काम, हमने अपने डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं कि ये सारे पंजीयन की प्रक्रिया होती कहां पर है। तो जिला पंचायत पर दोस्तों एक संस्था है जिसको उप पंजीयन सहकारी संस्थान बोला जाता है, जो आपके जिला पंचायत लेवल पर उपस्थित रहता है। वहां पर आपको उस कार्यालय में जाना है, उस कार्यालय में आपको जो भी अधिकारी मिलेंगे उनसे आप बात करिए कि हम सहकारी समिति बनाना चाहते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप वहां पर लेके जा रहे हैं, आपका वोटर आईडी हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सभी चीजों को वहां पर वेरीफाई कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में रिसोर्सेस कितने हैं, वाटर बॉडीज कितने हैं, तालाब कितने हैं, तो वहां पर आपको कुछ जानकारियां इकट्ठा करके आपको बतानी है, ठीक है। आपको बताना है कि हमको सहकारी समिति बनानी है, ठीक है। वहां पर आपको एक बैलांस पेपर, एक फॉर्म मिलता है, बैलांस फॉर्म वो आपको कार्यालय की तरफ से दी जाएंगी, उसको आपको फिल करना है। चाहे वो जो कार्यालय में जो बैठेंगे वो उस फॉर्म को फिल करेंगे, बस आपको वहां पर जो भी जानकारी है उसमें जरूरत है उसको आपको बतानी है। उसके बाद वो प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वो फॉर्म है वो, क्योंकि फिशरीज डिपार्टमेंट होता ही है सभी स्टेट में, वहां पर आपको बैलांस पेपर के हिसाब से वो पंजीयन की प्रक्रिया है वो होती है। उसके बाद आपको 1 महीने के भीतर ही आपको अपना पंजीयन प्रमाण पत्र है वो ले लेना है। जो संस्था मैंने क्या बताया था आपको, उप पंजीयन सहकारी संस्थान, ये जिला स्तर पर होता है, वहां पर आप फिर से जाइएगा 1 महीने के पश्चात, तो वहां पर आपको अपना पंजीयन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पंजीयन प्रमाण पत्र के हिसाब से ही आपको जो भी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वो मिलती है। सुविधाएं की तरह बात करते हैं तो आपको 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बहुत फ्री में आपको गवर्नमेंट है वो देती है। सबसे पहला जाल, आइस बॉक्स, इसके अलावा 2-व्हीलर्स भी दे रही है सरकार, है ना। साथ ही साथ आपको मछली का जो दाना होता है उसको भी दिया जा रहा है फ्री में। उसके अलावा मेडिसिन भी आती है, सीफैक्स हो गया, लाल दवा हो गया,
इसके अलावा मछलियों का जो बच्चा हो गया वो भी आपको हेचरी से, गवर्नमेंट हेचरी से आधे पैसे में उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार फ्री में आपके लिए लाती है, उसके उसका फायदा उठा सकते हो। दूसरी बात, जब आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को जो तालाब उसको 10 साल पट्टे में लेना चाहते हैं तो वहां पर भी सरकारी जो पंजीकृत समिति है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आप अपना खुद का समिति आपने निर्माण कर लिया है तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी किसी भी तालाब को पट्टे में लेने के लिए। तो सबसे पहला काम, चाहे पट्टा आपको प्राप्त करना हो या फिर आपको सरकार की सुविधाएं प्राप्त करनी है मछली पालन के लिए, तो वो सारी सुविधाएं आपको समिति बनाने के बाद ही मिलती है। किसान भाइयों, इस प्रकार से सारी सुविधाएं हैं वो आपको मिलेंगी। और ये सारी जानकारियां मैंने अपने सीनियर से जो फिशरीज डिपार्टमेंट में है उनसे निकलवाई है, तो सभी जानकारियां एकदम सही है। आप जाकर पूछ लीजिएगा किसी पर भी, यही प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगला टॉपिक किस पर बनाएं उस पर भी आप हमको बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।